आई एम डिस्कस अबाउट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड या लॉरेंट फोर्स। अब हम फोर्स पर बात कर रहे थे, अभी तक तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, अब फोर्स पर बात करते हैं। तो डायरेक्शन, सबसे पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड, उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हम निकालना सीख ही रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देखो, एक तो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड को, ये थंब फोर फिंगर्स और ये मिडिल फिंगर है, अगर हम जो मिडिल फिंगर है आप सॉरी जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर है आपकी, ये क्या कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, दिस इज थंब फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, अगर आपका ये क्या है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये क्या है आपकी मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर्स आपकी क्या कर रहे हैं, इसमें करंट फ्लो होगी, और जो थंब क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। अगर कोई क्या है आपका वायर है जिसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने ये यूज किया, और उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये क्या होगी उसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम ये ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा, ये मिडिल फिंगर, ये क्या है फोर फिंगर्स, और ये क्या है थंब, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो रही है तो क्या होंगे आपके, ये क्या है शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या करेगी आपकी करंट्स, तो ये क्या करेगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और रूल्स है, राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड रूल, इससे भी हम फोर्स को कैसे फाइंड, राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं इससे, राइट हैंड पाम रूल्स मीन्स अगर आप राइट हैंड को ऐसा करते हैं, राइट हैंड ये क्या करते हैं, अगर आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारे ये फिंगर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या है फिंगर है, और ये क्या है हमारी, ये क्या है करंट की डायरेक्शन है थंब, अगर इसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, इससे भी हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करते हैं कैसे, देखो ये राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड क्या है ये क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, और ये थंब जो है हमारा क्या शो करेगा करंट की डायरेक्शन ये होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी राइट हैंड पाम रूल से। तो हम डायरेक्शन तो हम फोर्स की शो कर सकते हैं। अब देखो अब क्या होता है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर जब हम कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है मोशन करता है आपका, तो उसमें जो डायरेक्शन है मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं लॉरेंट फोर्स। देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल है, जब कोई क्या है चार्ज पार्टिकल है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में वह मोशन करता है, उस मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं लॉरेंट फोर्स। कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, जो मोशन की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस दोनों के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं लॉरेंट्स
फोर्स। सपोज कोई प्लेन की बात करते हैं, ये कोई प्लेन है आपका, ये क्या है कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है आपका, ये प्लेन है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कोई फोर्स यूज कर रहे हैं। ये देखो यहां की ओर क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये है और ये क्या है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये भी क्या है 90 डिग्री है। सपोज ये शो नहीं हो रहा है 90 डिग्री है, ये वी है चार्ज पार्टिकल का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के जो दोनों के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसे हमने क्या कहा लॉरेंट फोर्स, ऐसा कहा, क्या कहा लॉरेंट फोर्स। ये समझ में आ गया होगा या दोनों के परपेंडिकुलर क्या है कोई नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करते हैं चार्ज पार्टिकल ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो मोशन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसे हमने कहा लॉरेंट फोर्स। ठीक है, सपोज करो ये क्या चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है और बी बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। सपोज बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और वी क्या है उस वी वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंटल यह देखा गया है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, प्रैक्टिकली एक एक्सपीरियंस किया गया है जो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू ऐसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है जब वी यानी मोशन और जिस पार्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उसके बीच क्या है परपेंडिकुलर होती है तभी वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहां पर जो मैक्सिमम फोर्स है वह लगभग दो बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो लॉरेंट फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो लॉरेंट फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा जो लॉरेंट फोर्स पर जो फोर्स है वो क्या होता है जो चार्ज पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से क्या होगा एफ क्यू वी अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं एफ बी क्यू वी तो ये क्या होता है आपका लॉरेंट फोर्स कहलाता है। V एक क्या है कांस्टेंट है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसी की बात, ये तो है आपका लॉरेंट फोर्स का। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये क्या है आपका लॉरेंट फोर्स है, मैंने कहा साइन थीटा जब ये मैक्सिमम होता है। अब देखो इसमें क्या होगा आपका, मैंने क्या कहा पार्टिकल्स मोशन कर रहा है उसकी वेलोस मोशन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे के क्या है आपके परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये क्या है आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये परपेंडिकुलर ना होकर ये किसी थीटा एंगल पर है 90 डिग्री ना होकर ये थीटा एंगल पर है तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा यदि चार्ज और चार्ज का मोशन ये परपेंडिकुलर ना होकर ये परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पर होगा तो इस टाइम कितना फोर्स होगा उस पर। तो देखो ये थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बराबरी है तो इसमें क्या होगा इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, v का ये कंपोनेंट्स होगा v cos थीटा और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये क्या होगा v sin थीटा। मैंने क्या कहा जब ये पार्टिकल्स
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ और मैग्नेटिक फोर्स के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर है, तो उस डायरेक्शन में सपोज थीटा एंगल पर है, तो मैंने ये वी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, वेक्टर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, ये बी है, सपोज ये बी है वी कॉस थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वी साइन थीटा। तो इस कंडीशन में आपका जो वी होगी, वी होगी वो कितना होगा, वी साइन थीटा के इक्वल होगा। कब, जब फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो एफ इक्वल टू क्यू वी भी पढ़ा था हमने, क्यू वी वी, या एफ इक्वल टू बी क्यू वी पढ़ा था ना, बी क्यू वी। तो यहां पर वी की जगह हम ये रख देंगे, कब, जब आपका जो मोशन कर रहा है पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पर है, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी v sin थीटा होगी। ये कैसे होगी, ऐसे होगी, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस, f इक्वल टू b q v sin थीटा, या f इक्वल टू q v v sin थीटा, हम ऐसे भी पढ़ते हैं। ये समझ में आ चुका होगा, f इक्वल टू q v v sin थीटा, ये समझ में आया। जब मैंने कहा वैसे तो ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अब देखो यहीं से ये q क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये v v sin थीटा। अब देखो थीटा क्या है, v और v के बीच का एंगल है, और ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका, v और v का, a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा लिखते थे, ऐसी f इक्वल टू q इनटू v क्रॉस v, ये क्या होगा आपका, लॉरेंट्स फोर्स होगा, F इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B, ये क्या होगा, लॉरेंट्स फोर्स होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिए इसी के अंदर की बात करते हैं हम, इसकी कुछ कंडीशंस, F इक्वल टू Q V V sin थीटा हम निकाल चुके हैं, 90 डिग्री पर क्या होगा ये, F इक्वल टू Q V V sin थीटा, लॉरेंट फोर्स। इसमें कंडीशंस, लॉरेंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, यदि चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो, शून्य यानी जीरो हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है केवल चार्ज पार्टिकल पर ही लगेगा, ये समझ में आया। अगर उस चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो है, तो उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो यहां से केवल हम क्या करें, मैग्नेटिक जो फोर्स है केवल चार्ज पार्टिकल पर ही लगेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पर लगेगा, ध्यान से सुनेंगे, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर ही लगेगा। चार्ज पार्टिकल कब, जब उसकी वेलोसिटी v है तो फोर्स जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर ही लगेगा। जबकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल, ये देखना ध्यान से, कहीं वन मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा। तो यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स केवल कहां पर लगता है, चार्ज पार्टिकल पर लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल पर वर्क करता है, चाहे आपका पार्टिकल मोशन में हो या रेस्ट में हो, चाहे आपका पार्टिकल मोशन में हो रेस्ट में हो। दूसरा पॉइंट, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री हो, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो, मींस, और वी भी यही है, देखो ये वी भी यही है और बी भी यही है, ये यहां ना होगा दोनों इसी डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं चार्ज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या कहा, जब चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, तो उस
उस कंडीशन में साइन थीटा दोनों कंडीशन में क्या होगा आपका जीरो होगा, तो एफ इक्वल टू क्या आएगा आपका जीरो, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा जीरो होगा, यानी लॉरेंट्स फोर्स क्या होगा आपका जीरो होगा। इस कंडीशन में जो पार्टिकल्स हैं आपके इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग निकल जाएगा, इस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग निकल जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस जिसके अलोंग चार्ज पार्टिकल्स मोशन कर रहा है उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस डायरेक्शन तो उस दौरान लॉरेंट फोर्स नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट्स, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस टाइम फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी वी होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहां से हम फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस लॉरेंट्स फोर्स की बात कर रहे हैं, इसी में इस लॉरेंट्स फोर्स का एक्सपेरिमेंटल कैसे किया जाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मूविंग चार्ज पर लगने वाला जो एक एक्सपेरिमेंटल फोर्स है लॉरेंट फोर्स पढ़ा था हमने, तो इसका हम डेमोंस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कैथोड रे किसी नैनी में डालते हैं, किसी ट्यूब में डालते हैं, कैथोड रे जो है किसी ट्यूब में डालते हैं, तो वहां पर क्या होता है कैथोड जो रे है उस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गन्स के रूप में इमिट होते हैं, इमिट होते हैं, जिसको कंट्रोल करता है कंट्रोल ग्रिड कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स गन को एक कंट्रोल ग्रिड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उसको फोकस कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड की हेल्प से उसको किसी रिसॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो ट्यूब है ट्यूब के दूसरे सिरे पर जो ब्राइटनेस होती है आपकी जो चमक होती है यानी जो स्क्रीन पर जो चमक होती है वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स बीम क्या होता है कोलाइड करता है। तो उस पोजीशन पर जो लाइट क्या होते हैं लाइट पॉइंट क्रिएट होते हैं, जिस जो इलेक्ट्रॉन्स जो गन होते हैं किसी स्क्रीन पर क्या टकराते हैं तो वो क्या करते हैं स्प्रेड होते हैं, यानी क्या होता है वहां पर चमक ब्राइट चमक उत्पन्न होती है। तो उस पोजीशन पर लाइट के क्या होते हैं पॉइंट क्रिएट होते हैं, तो इस ट्यूब की हेल्प से इस ट्यूब को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हम देख सकते हैं कि उस लाइट पुंज की अपनी जो मेन पोजीशन होती है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स जो बीम है क्या होते हैं स्क्रीन पर उतारते हैं तो वहां पर लाइट की क्या होते हैं पॉइंट्स मिलते हैं, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो लाइट पॉइंट्स क्या हो जाते हैं डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो यहां से क्या प्रूफ होता है आपका, यहां से प्रूफ होता है मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट जो चार्ज होता है वो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या है आपका जो चार्ज पर एक फोर्स यूज होता है, जो मूवमेंट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट चार्ज पर एक फोर्स यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं लॉरेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसी की बात करते हैं फोर्स ऑन, इसी के अंदर लॉरेंट्स, अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कुछ बहुत आइडिया ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है अगर कोई क्या है हमारे ये क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस पर रखते हैं तो ये क्या करता है आपका सर्कुलर मोशन करता है,
ये याद हो जाना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वह क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। सपोज किसी टाइम वो चार्ज पार्टिकल्स में आर डिस्टेंस क्या है, यहां पर है, तो यहां पर जो फोर्स होगा ये ऐसे करेगा, जो फोर्स होगा ये सेंट्रिपेटल फोर्स होगा एफ, क्या होगा सेंट्रिपेटल फोर्स, इसको बैलेंस कर रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स। सपोज ये इसकी डायरेक्शन अगर यहां पर देखें तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर यहां पर चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो फोर्स उसके सेंटर की ओर, यहां पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। तो यहां पर क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर होंगे आपके क्या, फोर्स और वेलोसिटी एफ इक्वल टू क्यू बीबी साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड हम शो कर सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू क्यू बीबी साइन थीटा, तो यहां से एफ इक्वल टू क्यू बीबी, ये क्या होगा, इतना फोर्स यूज हो रहा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स, ठीक है। मैंने कहा इन केस ऑफ मोशन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सो नो वर्क इज डन एंड नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रिपेटल फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट्स एज सेंट्रिपेटल फोर्स एंड प्रोड्यूस ए सर्कुलर मोशन, यही सेंट्रिपेटल फोर्स क्या करता है, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो ये क्रॉस का साइन लिख रहा है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर होंगे, इफ वी एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन पार्टिकल विल डिस्क्राइब वी और वी क्या होंगे आपके, वी और वी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा तो पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा सर्कुलर मोशन का, वी और वी क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो पार्टिकल डिस्क्राइब द क्या सर्कुलर मोशन। तो अगर हम कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करते हैं, उस पर फोर्स एफ इक्वल टू क्यू बी वी होता है। अगर हम करते हैं चार्ज पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर, अगर क्या नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो उस दौरान क्या होगा, तो उसका मोशन क्या होगा, हेलिकॉन मोशन होगा, कुछ इस टाइप का। अगर v क्या नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर टू v, तो इस टाइम मोशन कैसा करेगा, हेलिकॉन मोशन करेगा। तो ये z एक्सिस है और ये y है, तो इस टाइप की बात हो रही है, ये ऐसे मोशन करेगा, ये एक टाइप का सर्कुलर ही होगा। तो ये क्या करेगा आपका हेलिकॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या करेगा हेलिकॉन मोशन, यानी ये क्या है एक्स एक्सिस, यानी बी की डायरेक्शन ये होगी। मैंने क्या कहा, अगर आपका वी और वी परपेंडिकुलर नहीं है तो उस टाइम ये भी एक टाइप का सर्कुलर फॉर्म ही होगा, लेकिन वो हेलिकॉन मोशन करेगा, सर्कुलर वंस देयर इज प्रोड्यूस ए हेलिकॉन मोशन, ए सेंट्रिपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, कब, जब वी और वी नहीं होंगे तो इस टाइप का मोशन होगा। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि सेंट्रिपेटल फोर्स की बात की थी ना, सेंट्रिपेटल फोर्स क्या करता है, उस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, तभी वो क्या करता है सर्कुलर फोर्स। सपोज आर रेडियस है, सेंट्रिपेटल फोर्स हमेशा कहां की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है था आपका वी स्क्वायर प्लस आर रेडियस था, क्यू वी बी के इक्वल था, मैक्सिमम फोर्स इसके इक्वल था, क्यू वी बी की बात करते हैं, ठीक है, तभी ये बैलेंस था। किस रेडियस से आपका, देखो कोई, मैंने क्या कहा ये क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसी ना किसी रेडियस से तो मूवमेंट कर रहा होगा, ये पार्टिकल्स यहां क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि एक सेंट्रिपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है मैग्लोरेंट फोर्स। तो यहां से हम आर फाइंड कर सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू एक वी से एक बी एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी, इस रेडियस से मूवमेंट कर रहा होगा, तभी उस टाइम क्या होगा सेंट्रिपेटल फोर्स लॉरेंट फोर्स के इक्वल होगा। एम क्या है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स,
क्योंकि यह चार्ज है आर रेडियस है, बी परपेंडिकुलर की बात की तो यहां पर देखो ये m into v perpendicular, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p upon q into v। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट r equal to p upon q vv। तो यहां पर एक v perpendicular कहा, एक v parallel कहा, components of velocity होंगे। देखो components of velocity इसको कैसे शो किया था हमने, देखो हेलिकॉन से एक टाइप का सर्कुलर मोशन है, ये है आपका x एक्सिस और b भी इसी डायरेक्शन में है, और ये z और ये y है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं v के, तो v यहां पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर करते हैं बात। तो v किसी क्या करते हैं हम यहां पर, हम क्या करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होगा कुछ इस टाइप का होगा v परपेंडिकुलर, और जो इसका पैरेलल कंपोनेंट्स है, जो इसका पैरेलल कंपोनेंट्स है इसी की डायरेक्शन में होगा, ये क्या होगा v पैरेलल, यानी v पैरेलल और ये v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल जो दो है मैंने v के कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ v, ये है v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं किसके, वेलोसिटी के। रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, यानी ये r क्या है मोमेंटम के क्या है प्रोपोर्शनल आ गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, r क्या है p के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर जो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल है मोमेंटम के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली ऑफ द चार्ज के है, ठीक है। अब तो b क्या है यहां पर एक कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी k की बात करते हैं, हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम लिख सकते हैं कैसे, p इज इक्वल टू हमने लिखा था कहीं हम क्लास 11th मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, k जहां पर काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2mk अपॉन q b, ये लिख सकते हैं r is equal to 2mk upon b। ये क्या है हमारी रेडियस, यानी इस रेडियस से वो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन को कर रहा है। सपोज टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, सपोज टाइम पीरियड t है इस मोशन का, टाइम पीरियड t क्या है मोशन, t is equal to 2 pi, क्या होता है t is equal to 2 pi r upon डिस्टेंस upon या वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 2 पाई r upon न्यू हम पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं r की जगह हम रख देते हैं 2 पाई upon न्यू, r की जगह हम क्या रख देते हैं mv upon qv, mv upon qv रख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई upon, देखो ये v से v कैंसिल आउट हुआ, v से कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या आएगा 2 पाई एम अपॉन क्या 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी भी होगा, सॉरी क्यू बी है, क्यू इंटू बी होगा। टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ये होगा सर्कुलर मोशन का 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, ये तो टाइम पीरियड है। अब देखो इसी के अंदर और बहुत सारे डेरिवेशन रिजल्ट मिल रहे हैं, t इज इक्वल टू क्या है आपका 2 पाई m अपॉन q इनटू b, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t पढ़ा है हमने, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, t क्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं bq अपॉन m से लिख सकते हैं, क्योंकि t इज इक्वल टू क्या है m अपॉन, t इज इक्वल टू m अपॉन क्या है 2 पाई r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं bq अपॉन m, कैसे लिख सकते हैं देखो यहां से हमने ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ये ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू या 2 पाई अपॉन t होता है, t की वैल्यू रखेंगे तो इतना भी आएगा, t की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा आपका 2 पाई, t की जगह हम क्या रखेंगे
पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी, ये टू पाई से टू पाई, ये क्यू इंटू बी ऊपर गया तो इतना आएगा, तो ओमेगा इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अभी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू टू पाई न्यू होता है, ओमेगा इक्वल टू टू पाई न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है बी क्यू अपॉन टू पाई है, तो ये क्या होगा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये तो है हमारा क्या, जब कंडीशन आई यानी सर्कुलर मोशन कैसे होता है, उसके बाद उसका टाइम पीरियड ऑफ द मोशन फाइंड किया, उसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर चुके हैं। अगर वी और वी परपेंडिकुलर नहीं होता है वह क्या कैसा मोशन होता है, हेलिकल मोशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसकी यूनिट को डिस्कस करते हैं, हम पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू क्यू पी वी, देखो लॉरेंट फोर्स में ही आते हैं दोबारा, तो यहां पर F is equal to Q V V पढ़ चुका थे हम शायद ना, F equal to Q V V, F is equal to Q V V, B is equal to क्या है मैंने explain नहीं किया था, F upon Q V, F upon Q V, तो यहां से इसकी यूनिट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक न्यूटन होगी फोर्स की न्यूटन और Q की कूलम्ब, V की मीटर पर सेकंड, देखो न्यूटन कूलम्ब मीटर पर सेकंड की बात की, कूलम्ब पर मीटर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर, कूलम्ब पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं एम्पियर, ये देखो न्यूटन अपॉन मीटर, ये कूलम्ब पर सेकंड, इसको हम क्या लिखते हैं एम्पियर लिखते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर एम्पियर, या हम लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये क्या होती है, या न्यूटन एम्पियर माइनस वन मीटर माइनस वन, ये क्या होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, वहां पर हम डायरेक्टली लिख चुके थे। ठीक है, इसे हम टेस्ला भी कहते हैं, वन न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वन न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम वन टेस्ला भी कहते हैं। देखो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको टेस्ला, अब यहां पर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं टेस्ला, अगर यदि हम क्या करते हैं वन कूलम चार्ज हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वन मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उस पर वन न्यूटन लॉरेंट फोर्स लगेगा, तो उस टाइम उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वन टेस्ला या वन न्यूटन पर एम्पियर होगा। मैंने क्या कहा यदि हम वन कूलम चार्ज क्या मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वन मीटर पर सेकंड से, तो उस पर वन न्यूटन लॉरेंट फोर्स लगेगा और उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वन टेस्ला होगी। क्या कहा मैंने, वन कूलम्ब चार्ज वन मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो उस टाइम उस पर वन न्यूटन फोर्स यानी लॉरेंट फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो उस फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उस टाइम वन टेस्ला होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने एक लेसन पढ़ा था, लेसन बिटवीन टेस्ला एंड इसकी सीजीएस यूनिट, सबसे बड़ी टेस्ला होती है गॉस, सीजीएस यूनिट होती है गॉस, यानी गॉस वन टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस, ये गॉस क्या होती है इसकी सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है सीजीएस यूनिट, मैंने कहा वन कूलम्ब चार्ज जब मूवमेंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वन मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से उस पर वन न्यूटन का फोर्स लॉरेंट फोर्स लेगा तो उस फील्ड की इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वन टेस्ला कहलाएगी। तो ये तो है हमारे क्या मैग्नेटिक फील्ड्स, ऐसे आया था और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, वहां मैंने सीधे शॉर्ट लिखा था तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट न्यूटन को कन्वर्ट कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को सीधे लिख सकते थे वैसे केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कूलाम ठीक है, कूलाम यानी न्यूटन्स एम्पियर मीटर है ना, इसको एम्पियर मीटर ही लिख देते हैं, ये कूलाम पर सेकंड को एम्पियर और इसको मीटर लिख देते हैं। रख दीजिए वैल्यू यहां से, कुछ हो रहा है, केजी सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, मीटर से मीटर आउट कैंसिल आउट हुआ, केजी को हम क्या लिखते हैं, एम से लिखते हैं, अपन ए को क्या लिखते हैं, ए को किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर को। टाइम को टी स्क्वायर से डिनोट किया और इसको देखो करंट इक्वल चार्ज इक्वल चार्ज की यूनिट होती है, सॉरी करंट की यूनिट होती है ए, तो इसको हमने क्या कहा, ये लिखा तो एम ए टी माइनस टू, इसको ऊपर लेके आए एम ए माइनस वन टी माइनस टू, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड।